खातीन हजरात कॉमेडी ग्लैडिएटर्स के भी और इस नॉन चुड़ैल बादशाह सलामत के साथ आप देख रहे हैं सुपर ओवर। आज का छिपाफनामा पेश किया जा पहली हमारी मेहमान, इनके बारे में मैं बस यही कहूंगा कि वाकई ब्यूटी विद ब्रेन्स टेलीविजन फिल्म और वेब सीरीज पे छाई हुई हैं, लेकिन जब भी आपके सामने आती हैं तो आप मुस्कुरा उठते हैं उनके टैलेंट को देख के, उनके सोशल वर्क को देख के। और एक और चीज, उनसे कभी पंगा नहीं लेना क्योंकि टॉपक जमा कानून दे। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली सरवत गिलानी। सरवत, खुदा हमें यकीन नहीं था आज आप आ गई हैं हमारे शाही किले में। बाखुदा आइए बैठिए ना, आइए हमारे तख्त ताज पर बैठे। वाकई आज तो आप बिल्कुल सच्ची मुच्ची मलका लग रही हैं। मैं छज पता से वंडा, मैं कैदी कर लिया सरवत नु। ये देखे ना, मैंने किशोर कुमार में अपना माड़ा जा मलकू डाला है उसको, ये सताई जरा मैं पेश कर रहा हूँ, प्लीज जरा सुनिएगा। अर्ज करें, अर्ज। आई मर गया। आलम पन्ना की तमन्ना है कि सरवत मुझे मिल जाए, चाहे तक तो ता जाए, चाहे शुगर मिल जाए। आलम पन्ना की तमन्ना है कि सरवत मुझे मिल जाए, चाहे तक तो ता जाए, चाहे शुगर मिल जाए। आए रू तरारा तो पहले ही फाद मिर्जा की हो गई, सरवत तो पहले ही फाद मिर्जा की हो गई। साए का कभी सीता कभी छेर हो गई, कोई भी रोल हो बादशाह का हिल जाए, चाहे तक तो ता जाए, चाहे शुगर मिल जाए। आलम पन्ना की तमन्ना है कि सरवत मुझे मिल जाए, चाहे तक तो ता जाए, चाहे शुगर मिल जाए। ओए ना, आपको सरवत मिल गई जी। चालो बट जाके चाल है क्या। और टूटे बादशाह में वादा ना जाएगा, उसे जाके बैठो चलो। हमारे ये मजाक है, माइंड ना करना। सुपर ओवर की पिच पे हमारे दूसरे खिलाड़ी को बुलाते हैं और इस मैच को शुरू करते हैं। आप सब कॉन्टिनेंट के पॉपुलर सिंगर तो हैं ही, म्यूजिशियन, प्रोड्यूसर, लिरिसिस्ट, यहां तक के खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक भी हैं। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली एंड द अमेजिंग सिंगर हिमसेल्फ शिराज उपर। उपल साहब, लॉरी गेट तो एंट्री मारी है, मैंने पता तुहानू चिड़े खान का बड़ा शौक है। यार बिल्कुल नहीं पसंद है। कसमें फिर क्या पसंद है? आई लाइक मगज निहारी। ओके सर, अल्लाह मगज निहारी। वाह वाह वाह, दैट्स व्हाट आई लाइक। मगज निहारी खाते हैं लेकिन बादशाह सलामत की तरह लोगों का मगज नहीं खाते।
म्यूजिक की टेस्ट इनिंग तो आप खेल रहे हैं और सबको आपका स्कोर भी पता, लेकिन आज सुपर ओवर में T10 या T20 या T20 ये सब T20 के मूड में है, इसके मतलब आने वाला है ना आगे वर्ल्ड कप आ रहा है। सर आज मैच वाकई ही जबरदस्त होने वाला है, आइए। सरत मुझे ये बताएं कि आप कहीं OTT पे पक्की ट्रांसफर तो नहीं होगी? कच्ची पक्की ट्रांसफर जरूर हुई। ज्यादा वहां जा रही क्यों? क्योंकि वो वाला जो काम है वो यहाँ हम कर नहीं पाते, बहुत डरते हैं। मगर जो काम फिर चुड़ैलों में हुआ है उससे तो हम डरते हैं। मगर देखते पूरा का पूरा है, हैं? भाई उसमें भी अब खुल के बात करेंगे, मगर OTT के अंदर वाकई ही वो फ्रीडम है। तो हम OTT पे एटलीस्ट सच बात को जिस तरह वो है, से इट हाउ इट इज, लोगों को बताते जाए कि OTT मतलब होता है ओवर द टॉप, दैट मींस वो कंटेंट जो आप इंटरनेट पे देखते हैं, जिसको हम स्ट्रीमिंग सर्विसेज भी कहते हैं। लिबरल तो हैं लेकिन ये लिबरल कंटेंट के अंदर थोड़ी हदें पार नहीं हो जाती आपको लगता है? देखिए वही हदें हैं जो असलियत में हैं। हाँ हम तो सच बता रहे हैं, हम तो आईना दिखा रहे हैं। वो हजम करना अलबत्ता बहुत मुश्किल है, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम्स लोग कहते हैं कि नहीं जी ऐसा तो हम करते नहीं, बट करते जरूर है, बस वो बंद दरवाजों के पीछे होता है। लेकिन जब हम उसको दिखाते हैं तो वो कहते हैं ये गलत है, मगर जब करते हैं तो वो गलत नहीं कहते। क्या नडर बात कर रहे हैं आप, मुझे तो लगता है आज सुपर ओवर में ना यॉर्कर सानू पहन लगे। 2001 में आपका बॉलीवुड अकाउंट ओपन हुआ, आतिफ असलम आपके बाद आया और ज्यादा उत्ते चला गया। की ऑन द अकाउंट बाल ठाकरे नाल ते नहीं खुलिया सी? आई डोंट नो किसके साथ खुला अकाउंट, लेकिन ही इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब यार, तो आई लाइक हिज वॉइस, तो उसको ही इज गेटिंग हिज ड्यू। सब जानते हैं कि आप काम बहुत कम करते हैं, इसकी वजह ये तो नहीं कि ताड़ा स्टूडियो टिकसाली ते मियां सली दे वेली तू बहुत दूर है? यकीन जाने बहुत दूर है। तो खुश क्यों है मुझे बताएं, वहां कोई बहुत अच्छा वाला म्यूजिक बन रहा है? नहीं यार मेरी आइडियोलॉजी के थोड़ा अगेंस्ट है। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मियां सली साहब। व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ और जब कराची जाना पड़ता था, शुरू शुरू की बात है जब इंडस म्यूजिक वगैरह और डिफरेंट म्यूजिक चैनल्स थे, वो टाइम हम सबने देखा हुआ राइट। तो आफ्टर पार्टीज में या आफ्टर द शोज मैं देखता था कि कुछ लोगों के गिर्द जमगट्ठा होता था लोगों का, ठीक है, और वो इन्फ्लुएंशियल लोग थे और मुझे फील होता था कि यार अगर मैं भी उधर ही खड़ा हुआ उन लोगों के साथ तो अगले बंदे को ये वाइब मेरे से नहीं मिलनी चाहिए, ही इज हियर टू गेट द वर्क। अच्छा अच्छा, ओनली फॉर दैट रीजन आई ट्राई टू स्टे अवे। तो आपने कहा कि बजाय कि मैं अपने कनेक्शन से फेमस हूं, मैं अपने म्यूजिक से फेमस। कनेक्शन से कोई भी हो सकता है फेमस। हाय बात तो बड़ी ठीक है, लेकिन बहुत से लोगों ने वहां काम भी किया है, अली जफर हो गए, राहत फतेह अली हो गए, बग्गा हो गया, उनको आप कहाँ रेट करते हैं? यार बहुत अच्छा है, इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म वहाँ उनकी हवेली में, जहाँ पे बहुत नया नया म्यूजिक सुनने को मिलता है। बट मैंने जैसे बताया कि आई एम अगेंस्ट द आइडियोलॉजी कि मेरा किसी के पास ऐसे जाना जहाँ हर कोई जाता है और उसी सफ में शामिल होना पसंद नहीं है। आई लाइक टू क्रिएट माई ओन नीश, दैट्स व्हाट आई लाइक। इसी तरह सरवत आपके भी कहा जाता है कि आपको किसी प्रोजेक्ट में घेरना नामुमकिन है, लेकिन अगर आप एक दफा घिर जाए तो फिर आप वहीं की हो जाते हैं। तो आई थिंक कि जो असली आर्टिस्ट होते हैं वो अपने क्राफ्ट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और उसी तरह अभी भी कुछ दिनों पहले नदीम बेग साहब चाह रहे हैं कि मैं उनके साथ एक सीरियल करूं। तुम क्यों नहीं कर रही? तुम चुड़ैल बन गई हो, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है सरवत कि तुम मेरे साथ काम ना करो। How dare you? वो बहुत अमेजिंग एंड आई स्टार्टेड विद नदीम साहब, ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, बट वही मेरी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट कुछ चीजें हैं जिसको मैं चाहे वो कितना भी ग्लोरिफाइड प्रोजेक्ट हो और उसमें क्या क्या हीरे जवाहरात हो, बट क्योंकि वो अंदर, जैसे शिराज कह रहे हैं कि वो अंदर से आवाज नहीं है ना, तो वो नहीं हो सकता, फेक नहीं है, जो असल आर्टिस्ट है वो फेक नहीं कर सकता। क्या नदीम बेग जो 2% की लड़की बनाते हैं आप उसे एग्री करती हैं या डिसएग्री? मैं उस पे टोपक जमा का नून दे करती हूं। समझ तो आप गए होंगे। समझ गए। सरवत आपके बारे में बड़ा मशहूर है कि आप ग्लैमरस भी हैं और कैरेक्टर एक्टर भी हैं, आप कमर्शियलिज्म में भी हैं और पैरेलल सिनेमा में भी हैं, आप बेबो का ग्लैम भी कैरी कर लेती हैं और शिबाना आजमी की क्लास भी। वाह पैदाइशी है गए या तुसी बाद इच फिट कराए? ये बाद में फिटिंग होती है। स्पेशली अगर मिया डॉक्टर होते अच्छी फिटिंग होती है। बिल्कुल जी, एज यू विल नो वेरी सून। यस यस।
शरद, आपकी खूबसूरती में, आपके हुस्न व जमाल में और आपकी ऐसी कातिल अदाओं में मिर्जा साहब का कितना हाथ है? जितना उनका हाथ बाकी सारी इंडस्ट्री की लड़कियों में है उतना ही है। ये फिर कहनी है ना, वी आर ऑल नेचुरल। वो तो फोन में पता लगता है। ए गल याद रखना, नेचुरल चुड़ैल भी नहीं होती। Like the thing I love about Sarwat ke she's open about this aur waqai insaan ko apni self grooming pe hi hota hai magar bataye Mirza sahab ke clinic mein kedi kedi kudiyan aandiyan hain ye to kaash agar mujhe pata hota Ahmed to main unke ghar pahunch jati lekin he is very professional like that he doesn't tell me ladkiyan jinko next appointment nahi milta wo mujhe phone karti hai ki yaar hamara second appointment dila do to mujhe pata chalta hai ki acha ye bhi ja chuki hai to unko bata dena wo wahi puch sakta hai सेकेंड अपॉइंटमेंट वाली कौन सी है? अच्छा उसे नॉट कर दीजिएगा। महविश नहीं, कुबरा नहीं, नहीं का मतलब है उनका कोई और डॉक्टर है। शिराज मरवाएंगे करते शाविंदु गेट विद इट। पल पल दिल के पास तुम रहते हो, पल पल दिल के पास तुम रहते हो, सुर में हर एक बात तुम कहते हो, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। बिजली की कीमत ने वो जुल्म है ढाए, एसी की जानिब अब मेरा ध्यान ना जाए, खुशबाश रहता हूँ जब बिजली जाती है, पेट्रोल डलवाऊँ तो जान जाती है, पिछली हुकूमत भी अब याद आती है, पल पल दिल के पास तुम रहते हो, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। क्या बात, बहुत अच्छा। भाई बादशाह सलामत, असल में अंदर से खुशामद सलामत है। जो हमारे मेहमान आते हैं उसके लिए पर्सनलाइज गाना गाते हैं, एच एस वाई हो, खलील रहमान साहब हो, बुशरा जी हो, हर एक के लिए कस्टमाइज गाना जिस तरह आपके लिए। आई लाइक दैट। और वो पल पल दिल के पास रहते हो, वेरी क्रिएटिव, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि उपल का और बिजली और सियासतदानों का क्या ताल्लुक था बीच में, ये बताए ना जरा। उपल साहब, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, हमें आपसे प्यार हो गया है, मांगो अकबर से क्या मांगते हो, इंसाफ की इस तराजू की कसम, अकबर से जो मांगोगे मिलेगा। 10 लाख रुपया दे देना। फिलहाल तो हमारे पास समा से जाने का घर किराया भी नहीं है। अकबर बादशाह सलामत इसलिए कहते हैं जितनी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए। सर चुड़ैल आपके करियर में उस वक्त आया जब आप फिल्मों में बहुत अच्छा काम करी थी, एकदम इतना कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक और वो भी मर्दों के खिलाफ, ये क्यों? क्योंकि जब कोई अपनी आवाज के लिए खड़ा नहीं हो सकता तो फिर हमें खड़ा होना पड़ता है। तो हमें लगा कि ये बातें दिल में तो बहुत सारे लोग कहते हैं, औरतें कहती हैं, माएँ कहती हैं, बहनें कहती हैं, लेकिन कुछ कोई खुल के बोलता नहीं है। हाँ।
तो हमने उनके लिए आवाज़ बन के हम खड़े हुए और हमने कहा कि ये वो सारे इश्यूज़ हैं जिन पे आप लोग नहीं बात कर सकते, तो हम बात करते हैं। लेकिन इतना अडल्ट कंटेंट करना जरूरी था? हमने क्या अडल्ट किया उसमें? गालम गलोच। तो आपकी फिल्मों में तो फूल बरस रहे होते हैं। गालियां तो बच्चे भी देते हैं, एडल्ट क्या है? हाँ। नहीं, मगर टेलीविजन पे तो नहीं देते ना। नहीं तो हमने ओटीटी के लिए क्यों बनाया फिर? अच्छा, इसलिए बनाया कि ऐसे खुल के गाल दिए। आहो, तो तुम लोग बड़े-बड़े स्क्रीनों पे दे दो और गंडासे लेके मारने लगो लोगों को, वो कोई मसला नहीं, लेकिन हम ओटीटी के लिए कुछ थोड़ी बात जाहिर करें तो वो मसला क्यों है? खलीलुर रहमान कमर साहब, जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े राइटर हैं, वो कहते हैं कि अगर मर्द डी ट्रैक हो तो घर खराब होता है, लेकिन अगर औरत खराब हो तो पूरी जनरेशन खराब होती है। आप एग्री करेंगी? क्यों मर्द के लिए ओके है डी ट्रैक होना? क्यों ओके है, पहले तो बात वहां से शुरू। उन्होंने कहा क्योंकि मर्द कमजोर है। हाँ, ये बड़ा आसान है, मर्द मर्द है एंड ही इज द ब्रेड ओनर, लेकिन कमजोर है बेचारा। औरत इतनी कमजोर है, लेकिन बच्चे भी वो पालती है, बच्चे भी सारे घर का ख्याल भी वो करती है, मल्टीटास्कर भी वही है, उसने जोड़ के भी रखना है। मतलब ये तो बड़ी डिस्क्रिमिनेशन हो गई, नहीं ये कंफ्यूजन है। आप स्ट्रांग अपने आप को कहते हैं कि मर्द स्ट्रांग है, लेकिन अंदर से बड़ा कोई टेडी बेयर है। तो औरतों को कहते हैं बड़ी नाजुक सी चीज है, लेकिन सारे मुश्किल काम वही करती है। खलील साहब को ये भी कहना है कि अगर आपको, जिस तरह आपने कहा कि आप उनकी रिस्पेक्ट करती है, लेकिन आपको उनकी आइडियोलॉजी से यहाँ इख्तलाफ है, वो कहते हैं कि मेरे से पर्सनल गिला किया करो, इस तरह पब्लिक में आके ना गिला किया करो। आपको लगता है कि पर्सनल वॉइस होनी चाहिए इंसान की? देखिए, एब्सोल्युटली, अगर आप, जैसे आपने ये सवाल किया तो मैंने उसका ये जवाब दिया। बिल्कुल। मेरी उनसे पर्सनल कोई दोस्ती नहीं है, मेरी तो मुलाकात भी नहीं हुई कभी उनसे। तो अगर ये सवाल, तो फिर आपको उनसे करना चाहिए फोन करके। नहीं आपको लगता है कि हमें उसी प्लेटफॉर्म पे रहना चाहिए या हमें भी कॉल करके अगले से बात करनी चाहिए? सर, अगर वो सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पे ही जवाब मिलना चाहिए उनको। आई मीन, वो एक ऐसे राइटर हैं जो बड़े कैमरा के इन फ्रंट भी आ चुके हैं। बिल्कुल। और जो भी उनकी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई हैं उसके बाद वो बड़ा खुल के शोज पे बैठ के बात करते हैं, तो फिर ये साइड पे कॉल करने वाली तो बात ठीक नहीं है ना। उपल साहब, मुझे ये बताएं कि अच्छा सिंगर या अच्छा कंपोजर होने के लिए टाढ़ी होना कितना जरूरी है? टाढ़ी की डेफिनेशन बताएं, बिकॉज़ बहुत सारे हमारी ऑडियंस को नहीं पता टाढ़ी क्या। टाढ़ी होंदा जेड़ा 150-200 साल पान खावे ते स्केलिंग ना करे। टाढ़ी होंदा जेड़ा 15 दिन तेल लाके भी कहे यार लगा रहे। टाढ़ी होंदा जेड़ा पूरे महीने दी तनख्वाह लै के सीधा कसाई दे कोल जाए ते कहे बेटे मटन भी पा दे, चांपा भी पा दे, सब कुछ पा दे, करेले में आप ही पा दे। ये तो मैं मजाक कर रहा था, लेकिन टाढ़ी वो है जिसको कहते हैं नस्लों से म्यूजिक। Exactly. इसको दूसरा वर्ड है मीरासी। हाँ। जिसको मीरास में मिलता मिरास से, ठीक है। तो मुझे फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इन मीरास में नहीं मिली, मेरे वालिद साहब आर्मी में थे, आर्मी ऑफिसर थे। हाँ, मेरे बेटे को आप मीरासी कह सकते हैं, उसको मीरास में मिली है। ठीक है। तो आई डोंट नो अबाउट दिस फैक्ट जो आपने सवाल किया है कि व्हाट आई कैन, सिंस मैंने एक्सपीरियंस नहीं की वो चीज़ खुद से, तो मैं बता नहीं सकता उसको। भाई देखिए ना, हमारे यहाँ बहुत से म्यूजिक के बहुत बड़े बड़े खानदान हैं जो सिर्फ कहते हैं कि ब्लड लाइन होगी तो ये हमारे अंदर शामिल होते हैं। तो आजकल तो ब्लड लाइन वाला कितने लोग रह गए, किसी वक्त करती थी। अच्छा। I remember जब 13 थे, मेरा रिलीज हुआ था 2003 में, तो बहुत सारे सो कॉल्ड जो टाड़ी थे उन्होंने काफी ने इतराज किया था, ये कितों आ गया मुंडा, केड़ी वरदान ले रहे हैं। अच्छा, आउटसाइड से आए। बात तो बचाए, लेकिन आप पॉप और सेमी पॉप के अंदर ज्यादा परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर इसी को क्लासिकल में करना पड़े, गजलों में करना पड़े, या ठुमरी शुमरी करना पड़े, तो उसके लिए आपको वाकई वो ब्लड लाइन से बिलोंग होना चाहिए? दैट्स व्हाट आई थिंक, बिकॉज एक्सेप्टेंस नहीं है उस चीज़ की। हाँ, एक्सेप्टेंस इसकी है, अगर आप जनरेशन वाइज चलते आ रहे हैं और आप क्लासिकल गा रहे हैं, ठुमरी गा रहे हैं, ख्याल गा रहे हैं, तो फिर एक्सेप्टेंस है उस चीज़ की। अगर एक जो सेल्फ टॉट बंदा है वो आके ये शुरू हो जाएगा तो बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं होगी। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक टाढ़ी आके अगर पॉप गाना शुरू हो जाएगा तो उसकी एक्सेप्टेंस नहीं। बात एक्सेप्टेंस की नहीं हो रही, बात हो रही कि क्या वो एक्सेलेंस वो हासिल कर सकता है जो इन खानदानों ने, इनके बड़ों ने की है, वहां तक पहुंच सकता है कि नहीं? वही मुश्किल है। हाँ। मुश्किल है, मतलब नामुमकिन नहीं है, बट मुश्किल है, बिकॉज ये लोग आगे ट्रांसफर नहीं करते। वो अपने विद इन देयर ब्लड लाइन होगा तो ट्रांसफर करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो चली आ रही है मीरास में, वो नहीं पहुंचेंगी उस तक। बट आई फेल्ट, आई हर्ड कि आप एआर रहमान के स्टूडेंट रह चुके हैं, सो डज दैट नॉट गिव यू एन एज ओवर अदर पीपल? नॉट एट ऑल, जस्ट फॉर द नेम सेक आई डोंट थिंक सो।
अच्छा हाँ, because I learned production from him. Okay. So I didn't learn singing from him. Okay. 1996 में A.R. रहमान लाहौर आए और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्होंने इस्लाम कैसे कबूल किया, कौन से बुजुर्ग उनके ख्वाब में आए, कौन से कवाल ने उनको इंस्पायर किया, ये सब कुछ एक छोटी सी ब्रेक के बाद. हमारे साथ सरवत भी मौजूद है, हमारे साथ चिराज उब्बल भी मौजूद है और ये भी मौजूद है. एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं, आप देख रहे हैं सुपर ओवर. आए हाय क्या ट्यून थी भाईजान वो. ओह एंड वेलकम बैक ऑन द ब्रेक. खवातीन हजरात आप देख रहे हैं सुपर ओवर. गरम जौहर साहब आपका तो सबको मालूम है, आप तो बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाते हैं, मगर ये आज आपके साथ कौन आई है? बट पैरेलल फिल्में नहीं देखते रोजाना आजमी रोजाना डेली ना समझना. अच्छा हाँ जी रोजाना आजमी मुसाफिर है और रोजाना आजमी जी एक बारी माड़ा स्क्रिप्ट सुन लो तुसा की पता चल जैसी आइडिया है के है. मैं तुम्हारी फिल्म नहीं करूंगी. वजह और करंच काम कर से माफी चाहना. असल च माड़े जेड़े राइटर ने ना बड़े स्ट्रांग हैं, खलील रहमान कमर, अरे हाशिम नदीम, अब्दुल्ला चिल्ली, वाह वाह त्रै बंदियां को स्क्रिप्ट लिखाया ते मजे दी गल पर लगे है क्या है उन्हें पता ही नहीं बात तो मेरे बारे में भी कहेंगे इन्हें भी पता ही नहीं बाबा अगर फिल्म उसे करवानी है ना तो फिल्म का स्क्रिप्ट जो है वो गुलजार साहब से लिखवाओ. गुलजार पापे को मैं स्क्रैपट लिखा तो लवान लेकिन बहुत बड़ा मसला है, उन्होंने हाथ कंबदे ने हूं. हाँ हाथ कंबदे ने जी बिजली दे बिल ते पेट्रोल दी कीमत बता दें मिफ्ताह इस्माइल दे हाथ नहीं कंबदे गुलजार साहब दे हाथ कंबदे जानती हो सरवत मुझे बचपन से ही दादा साहब फालके सत्या जी रे बाल ठाकरे और सूदी पाट का काम बहुत पसंद था. और राइटर आपको कौन पसंद है? राइटर्स में शेक्सपियर और अल्ताफ बाजवा मेरे आइडियल हैं. वैसे आपका स्कूल ऑफ थॉट क्या है सरवत? जो आपका स्कूल ऑफ थॉट है वो ही बेहतरीन स्कूल ऑफ थॉट है. देखा गरम जौहर मसाला उन्होंने मेरे साथ ही पीडीएम बना ली. उसी कह रहे हो कि स्कूल ऑफ थॉट है नाल है जेड़े स्कूल चे पढ़ी होते तो थॉट बचाई दे सन लेमन टार्ट. असल में सरवत मेरे अब्बा ने ना बचपन में ही मेरी ग्रूमिंग बहुत की थी कैफीन आजमी साहब ने. कैफीन आजमी क्या कॉफी पीते थे? नहीं नहीं चाय बहुत पीते थे ना और साथ निमको भी नहीं लेते थे. पता है भट्ट जी श्याम मैनिगल की फिल्म मंडी मैंने बचपन में देख ली थी. अच्छा और फिर जब बड़ी हुई फिर नशीर डोगर की सैटरडे नाइट देखी मेरी जिंदगी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए. सैटरडे नाइट जो थी जॉन ट्रैवोल्टा की लॉन्चिंग फिल्म थी वो उसने नहीं बनाई? नहीं 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 इधर बनी सी मेरा ख्याल है सिर चिट वजी. असल एक बनी सी उधर ते एक बनी इतने यतीम खाने के कोल. रशीद डोगर के नाल सैटरडे नाइट होवे ते हजम ही नहीं होंदा. तुसा तको रोजाना आजमी ने कॉन्सेप्ट ते क्लियर हो गए ने पर जेड़ी दुकान तो उधार लेंदी रही उहदा कर्जा अज तक क्लियर नहीं जी होया. बाबा ने मुझे लेफ्ट का सारा लिटरेचर पढ़ाया. अच्छा कार्ल मार्क्स लेनिन और मीना नाज की सारी किताबें मैंने मैट्रिक में पढ़ ली थी. आपको कार्ल मार्क्स का पता है कौन है? उससे पूछ रहे हो कार्ल मार्क्स कौन था? पागल तो नहीं हो गए? उसने बहुत बड़ी किताब लिखी थी डांस कैपिटल. और डांस कैपिटल ही दास कैपिटल. तेनू किन्नी बारी समझाया कि निधा चौधरी को लेके किताबा ना पढ़िया कर. मेरा सारा बचपन लाइब्रेरियों में गुजरा है. कौन सी लाइब्रेरियों में? टक्साली रीडिंग साली रीडिंग शेक्सपियर पावे नवाज शरीफ आवे ही आवे. सरवत आपके नाना प्रिंसली स्टेट मानावदर के हुक्मरान भी रह चुके हैं और जब उन्होंने हिजरत की तो यहां आके बहुत हश हश उन्होंने किसी को बताया भी नहीं. इस तरह तो आपके अंदर नवाबी खून है. अगर आप यहां माइग्रेट ना करती तो आज आप वहां एकता कपूर की साजिशी बहू या फिर करण जौहर की अंजलि शर्मा होती. अच्छा एक्चुअली जो परवीन बाबी हैं वो मेरी ग्रेट आंट है.
Parveen Bobby. Babi. Babi. So the dynasty was called the Babi dynasty. Babi dynasty. Yes. और ये बात बिल्कुल सच है और मैंने 20 साल काफी हशहश रखी है ये बात. क्यों हशहश क्यों? आपको तो own करना चाहिए ये. इसलिए क्योंकि I think जो असल royal लोग होते हैं या वो royal background से होते हैं वो कोई डंडोरा पीटते हुए नहीं गुजर रहे होते कि जी हम रॉयल बैकग्राउंड से. आज तो सने मजमान तक के मेरा तो दिल खुश हो गया जी. चिराज उपल पापे ना, मैं इतना बड़ा फैन हूं. अच्छा? इनको देख के मेरा सांस उपल का उपल ही रह गया. पास कर रहा बाहर मुझसे पूछ रहा था ये आदमी कौन है. जोर साहब, मैंने सुना आप अपने फिल्म के लिए कोई म्यूजिक डायरेक्टर भी ढूंढ रहे थे. जी 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 जी, मैं म्यूजिक डायरेक्टर तो मैं खुद ही हो सा, लेकिन मैंने एक सिंगर चाहिए, कोई नवा बंदा दे दियो, मैं उसे प्रमोट कर सा. अच्छा, नवा बंदा. तो फिर आप यहाँ ना, क्योंकि ये भाई ये बहुत बड़े माने हुए म्यूजिक कंपोजर और सिंगर भी हैं. ओ यार, माड़ी फिल्म च गाना गासन ते भी नवे ही हो जा सन. बट जी असल मैं ये तो कर रहा सा माहौल. अच्छा, असल मिकी बंदा चाहिए बट जरा प्रोफेशनल इंटरनेशनल आदमी जिसका कम पाकिस्तान भी विके ते नाल हमसाया मुल्क भी विके, अरे ताकि उधरों भी रियलिटी आवे ते इधरों भी पैसे कट्ठे होण. तुसी अदा म्यूजिक अपना दियो, अदा ए आर रहमाने का दियो, दो चार म्यूजिक डायरेक्टर और पकड़ो, उन्हों का म्यूजिक दियो, ते पैसे मैं इंशाल्लाह किस्तां नाल तुहानू दे देसा. किन्ने किलो चाहिए? सरवत, करण जौहर ने आपको डीएम किया, कहीं कॉफी विद करण की इनविटेशन तो नहीं थी? इनविटेशन थी लेकिन वीजा नहीं मिला. आलम बना दो वीजा लेने कहते, उन्होंने कहा कौन सा लेना, कहता चिकन वीजा दे दो. सर्वत, कान फेस्टिवल पे एक्ट्रेसेस ऐसे ड्रेस पहनती हैं जिन पे ट्रोलिंग होती है और मीम्स बनती हैं. आपने अपनी ड्रेसिंग को लेके बहुत सेफ प्ले किया था, क्या वजह वही थी? वजह ये थी कि हम पहली बार कान जैसे फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे. बिल्कुल. तो उस वक्त मैं और मेरा फैशन सेंस इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना पाकिस्तान इम्पोर्टेंट. कान फेस्टिवल में माड़ी फिल्म भी गई सी. फिर क्या हुआ? उन्होंने कान चो गालां कटियां, मैं वापस आ गया. बात जहां ए आर रहमान की करें तो 1996 में ए आर रहमान जब लाहौर में आए तो हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर ताहिर सरवर मीर साहब ने उनसे इंटरव्यू में पूछा था और ए आर रहमान ने यह बताया भी था कि मैं चिश्तिया सिलसिले से, मुझे एक बुजुर्ग मेरे ख्वाब में आते थे. वाह. और वो मुझे कहते थे कि बेटे इस्लाम कबूल करो और अपने घर वालों को भी इस्लाम कबूल करवाओ. उन दिनों वो कवाली भी सुन रहे थे नुसरत फतेह अली खान साहब की. वाह. तो जो हमारी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री के अंदर भी है कि हमारे जो सूफी लोग थे जिन्होंने इस्लाम फैलाया था, उनके पास सबसे बड़ा टूल जो था वो कवाली था. तो सूफीज़म और कवाली का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है. इसके बारे में आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली हमारा जो रिलीजन भी जो सब कॉन्टिनेंट में फैला वो कवाली के थ्रू बहुत इम्पैक्ट था उसका. और एक वजद सतारी होता है और उसमें आप अल्लाह का या अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है वो आगे लोगों तक पहुंचाते हैं. बिल्कुल. तो एक अच्छा जरिया है मेरा ख्याल अपने सेंटिमेंट्स उस अंदाज में बयान करने का. शिराज, यहाँ मैं एक बात जरूर ऐड करूंगा कि आपने बहुत सा म्यूजिक प्रोड्यूस किया लेकिन आपने भी कवाली को जो नए अंदाज में पाकिस्तान में पेश किया था, That is amazing. उसको एक नया आपने रूप दिया था. Absolutely. फेवरेट कवाल आपके कौन है जिनके साथ आपने काम किया है? जिनके साथ काम किया है, I won't say रफाकत अली is a कवाल. There is no one. रफाकत साहब की जहां आपने बात की, तू कुजा मन कुजा, आपके पास ऑप्शन राहत की भी थी लेकिन आपने रफाकत साहब को चूज किया. ओवर कॉन्फिडेंस कितना आया? मेरी थोड़ी सी, मैं जैसे पहले बताया थोड़ा सा उल्टा चल रहा होता हूँ, दिमाग उल्टा चलता है. जो इजीली चीजें अवेलेबल होती हैं, आई ट्राई टू रिफ्रेन फ्रॉम देम. अच्छा. तो रफाकत की आवाज़ मुझे वैसी टोनैलिटी बहुत अच्छी लगती है. हाँ. तो आई थॉट कि यार मुझे उसको चांस देना चाहिए बिकॉज ही कैन जस्टिफाई दैट कवाली. तो मुझे अगर कोई, तब उस वक्त जो ऑलरेडी नॉन सिंगर्स थे उनको रोप इन करके अगर उनके साथ कलैबोरेट करता तो वो तो मुझे लग रहा था कि वो रन ऑफ द मिल काम हो जाएगा. रन ऑफ द मिल, और वो तो हिट होनी होनी है. हाँ. चीज ना, बिकॉज दे हैव देयर नेम्स राइट. तो मुझे इस चीज में ज्यादा मजा आता है कोई नई चीज हो, नए लोग हो. ये चीज बैकफायर भी तो हो सकती है कि गाना बड़ा अच्छा हो और वो सिंगर की वजह से ना चले. यार वो तो नसीब है, नीयत साफ होनी चाहिए. क्या बात. अरे जंगू भाई, तुम्हारी खबर तो बिल्कुल सच्ची निकली. ये तो वाकई माना बदर की प्रिंसेस और हमारी कजन सरवत गिलानी है. जंगू ने अपनी खबर की कभी तरदीद नहीं की, चाहे खबर फैलाने वाला
ਆਫੀਅਰ ਹੋ ਜਾ ਜੰਗੂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਕੇ ਦਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟੰਸਾਲੀ ਦਾ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਹੈ ਹਾਂ ਸਰਵਤ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਚਲਿਏ ਔਰ ਹਮੇ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਤ ਬਣਾ ਦੀਜੀਏ ਓ ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ ਆਪ ਫਿੱਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਚਾਲ ਕੁੜਤਾ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੌਣ ਹੈ ਡਬ ਖੜਬੇ ਤੁਮ ਹਮੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਤੇ ਹਮ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਨਵਾਬ ਕੇ ਪੋਤੇ ਹੈ ਆਪ ਹਮੇ ਛੋਟੇ ਨਵਾਬ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪੁਕਾਰ ਸਕਤੇ ਹੈ हमारे अब्बा हुजूर ने बताया था मरने से पहले कि हमारी मंगनी बचपन में सरवत से हो गई थी तो उसी सिलसिले में हाजिर हुए हैं ये झूठ है सरवत के तो वहमो गुमान में भी नहीं है कि आप उनके मंगेतर हैं और अगर होता भी सरवत अपने आप को गोली मार देती तो हो जाओ इसमें भी हमारा ही कसूर है जैसे दिल तो पागल है मैं करिश्मा कपूर और कुछ कुछ होता मैं काजोल ने शाहरुख खान से अपनी मोहब्बत छुपाई ऐसे ही हमने कभी इजहार नहीं किया अच्छा किया इजहार नहीं किया वरना व्हीलचेयर पे आते और उंगली आसमान की तरफ आती है एक 15 रुपए का और करना सारी मार्केट पड़ी किसी और दुकान पे भी जाओ शेराज उपल आए हैं ए आर रहमान के दोस्त भी हैं और शागिर्द भी तो एक अस्थाई इनकी पेशे नजर उस लड़की के लिए था एंड वेलकम बैक टू द शो खवातीन और आप देख रहे हैं सुपर कोई रोक सके तो रोक ले मैं नाचूंगी छम 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 पालकी में होके सवार चली रे मैं तो अपने बट के द्वार चली मैं हूँ चड़ेल बानो मैं कोका से डायरेक्ट फ्लाइट लेके मैं आपसे मिलने आई हूँ फ्लाइट मिल ही नहीं रही थी हम तो आजाद उम्मीदवारों वाली प्राइवेट फ्लाइट पे आने लगी थी बोला तो पता लगा मैं समझे हैंड कैरी इसका आप तो चुड़ैल बानो है समझ आ गई ये मोहतरमा आप कौन है मैं हूँ डाइन बुच्चा आपको पता है ना सीजन 2 भी आने वाला है सरवत जी चुड़ैल का रोल भी आप करेंगी तो हम क्या करेंगे
कोकाफ में जब से काफ लीग की हुकूमत आई है बेरोजगारी ही आ रही है। आपने कभी चुड़ैलों के लिए गाने नहीं बनाए? एक दफा जब सामने आ गई थी तो गाया था ना रोया। हम दोनों जहां से भी गुजरती हैं तो पीछे से यही आवाज आती है, चुड़ैलो ना बाजार जाया करो, हाय नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, ऐसे ना दिल को तड़पाया करो, नजर लग, नजर लग, नजर लग जाएगी। बड़ी सुरीली चुड़ैले। सरवत, जब आपको स्क्रिप्ट मिली चुड़ैल्स की तो आपको लगा था ये कंट्रोवर्शियल होगी? हमें लगा कि वाकई ऐसा कंटेंट कौन बना सकता है पाकिस्तान में, तो बड़ा मुश्किल है इतनी ऑनेस्ट स्क्रिप्ट लाना। लेकिन एक आर्टिस्ट के लिए जब तक मुश्किलात नहीं होती तो तब तक पेट नहीं भरता। तो पेट भरना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो क्रिएटिविटी से हो या सस्पेंस से हो या इस तरह का कंटेंट हो जो आपको पता ना हो कि इसके साथ होना क्या है। जहाँ कंट्रोवर्सी की बात करें तो म्यूजिक में कंट्रोवर्सी कैसे क्रिएट की जा सकती है? ट्यून के साथ, लिरिक्स के साथ या तमा पहाड़ के? लिरिक्स के साथ ऑफ कोर्स। वो गाना नहीं था जैसे आधो में मिल जाइए जिमें टिच बटना दी जोड़ी, ऐसे कंट्रोवर्सी क्रिएट कर, या मंजी विच डांग फिर दा है? नहीं हाँ हाँ है, खराब किया ज्यादा। सरवत जी, तुसी अगर फिल्म दी हामी भरो तो मैं भला तुसा ते केड़ा गाना करासा, तू रंग सरवतों का मैं नीले घाट का पानी। उपल साहब, आप म्यूजिक क्रिटिक भी हैं, क्या नंबर देंगे इन फॉलोइंग आर्टिस्ट को? सबसे पहले राहत फतेह अली खान, 10 out of 10। रफाकत अली खान, 11 out of 10। अली जफर, 10 out of 10। सबको सबको, whatever name you're going to say, 10 out of 10। अल्लाह रखो पेप्सी, 10 out of 10 यार, of course, 10 out of 10। इतना वोट तो नवाज शरीफ ने तब भी नहीं लिए थे जब establishment के साथ जफी थी, तुझे हर एक ने दे जा रहे हो। यार नहीं नहीं, मेरा ख्याल है सब डिजर्व करते हैं, हर कोई अपना अच्छा काम कर रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। और यार मैं तो कहना तलाशी ले लो, शायद ओपल साहब को पे ही 10 number होने बस। नहीं वाकई सब अच्छा काम करें सिवाय इसके।